आप जी दे सन्मुख बहुत ही सत्कारयोग नहंग सिंह जी, बाबा धर्म सिंह जी, सच खोज दे बानी, जिन्होंने शब्द की बहुत ही तरतीबवार खोज की है। आप जी ने अधे घंटे वास्ते दर्शन करेंगे। बाबा जी को बेनती है कि स्टेज पर सज के संगतां दे दर्शन करन दी कृपालता करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੇ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਪਰਾਧ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਲੁਕੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਥ ਦੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੀਜਾ ਰਥ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਰਥਾਂ 'ਚ ਰਥ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ। ਨਾਲ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ, 25 ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਰਥ ਤਾਂ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਥ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੈਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹ, ਧਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ
धर्म का न्याय करने वाला सी, धर्म का न्याय काजी करते होंगे सी मुसलमान राज। कह लगे बी तुसी काजी नू बी तुसी हुक्म ना हुण सुनाओ, दुपहरे बाद हुक्म सुना दे, मैं कुछ दो सवाल पूछने ने। जे उस सवालों तो बाद जे इन्हां दा कोई अपराध नहीं बनता तो तुसी बरी कर दे। कहते ठीक है कोई गल नहीं। दोपहरे बाद फिर पेशी हुई, किसी नूं कोई पता नहीं सी की सवाल करने ने। उन्हें सवाल सिर्फ यह किया जे तुहानूं छड़ दिता जावे फिर तुसी की करोगे। कहन लगे भी जो साडे खानदान दे विच हुंदा आया काम उही असीं करांगे। बाबाणियां कहानियां पूत सपूत करे, जे कोई हल बौंदा है खेती करदा है उहदी औलाद खेती करदी है, जे कोई बणिया दुकान करदा है उहदी औलाद दुकान करदी है। साडे प्यो दादे जो कुछ करदे रहे ने, पंडित है पंडित की औलाद पंडताई कर दी है, धर्म का प्रचार कर दे। वो कहने भी वो तो धर्म का प्रचार करते सी। कहने ठीक है असीं भी उही करांगे। वो कहने फिर उहदे विच तां तुसीं उल्ट फुल्ट बहुत लिखिया है, उत्थे तां हिंदू है ना तुरकू काणा लिखिया है। वो कहते असी तो लिखे ही नहीं है, तो नामदेव ने लिख लिया, गुरु ग्रंथ साहब के बच्चे तुम ना उन्हू नामदेव नू पुछ लेंदे कबीर नू पुछ लेंदे ये गलत। उहदा असी प्रचार जरूर करते हैं पर असी तो कहा नहीं, गल कही तो हुई है असी मान ली भी ठीक है, असी उन्हू मानता दिती है सिर्फ। फिर आ जड़ा तुसी कहने हो काहे को पाहन पूजता है पशु पाहन में परमेश्वर नहीं, कहंदे ये भी सच है। जे पाहन दे विच परमेश्वर है तुसी बह के गल कर लो, जे पत्थर विच परमेश्वर है तो बह के गल कर लो। सारे भगत मनते ही आए ने, वेद मनता है, इस धर्म मनता है सारे। असी धर्म का प्रचार करते हैं, सच्चे धर्म का करते हैं, झूठ का नहीं करते। पत्थर च परमेश्वर होंदा है, झूठ धर्म है, सच नहीं है। अखरां विच परमेश्वर होंदा है, झूठ है, अखरां च नहीं होंदा, क्योंकि अखां नूं दिंदे ने अखर। जो चीज अखां नूं दिंदी है झूठ है, परमेश्वर सच है। सच तां अखां नूं दिंदा ही नहीं है, सच अकल वाली अख नूं दिंदा है। अकल है ना जिहड़ी, वह अख है असल च। जब विवेक वाली अख खुलदी है ना, जब विवेक अख खोलदा है फिर सच का दर्शन होंदा है। सच तो विवेक आपे है, विवेक ही सच है। ज्ञान तो सारा ही सी उन्होंने। वो कहता भी ये फिर बवाल पैदा होगा, कानून व्यवस्था का जोड़ा है साड़ी ड्यूटी है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है। वो कहते भी झूठ जो बदोबदी कोई हमला करे सचते तो फिर झूठ नूं तुसी नत्थ पाओ, तुसी तो सच का मूंह चुप करो, ने भी सच ना बोलो ये जायज नहीं है। सच का मूह सच बोलन से बंद हो जाइए फिर तो गल हो कूड फिर प्रधान वे ला लो। जब कूड प्रधान हो जाता है फिर सच बर्दाश्त नहीं होता। अज भी सच बर्दाश्त नहीं, अकाल तख्त वालों भी बर्दाश्त नहीं सच।
जेड़े के सच का झंडा बरदार होने चाहिए ने उन्होंने भी बर्दाश्त प्रभाव की प्रभाव माया का राज दा। राज हुंदा नहीं राज कंप्रोमाइज ना होगा झूठा ना कंप्रोमाइज करना पऊ सुचा ना दे जड़े धर्म चो आ रहा है वो धर्म सिख धर्म का विरोधी है सिखी का विरोधी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੂਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ तो डर गए डर कड़ी सी उन्होंने कहा भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते आ कुछ हो जो कुछ हुण होया जंगा होण गियां पौंडे साहब जंग हुई सी हुंदियां रहण कर जंगा तो हुंदियां रहिंदियां धर्म दी धर्म दे नां ते जंग कद नहीं हुई हुंदे ही रहिंदी है इह तां एक धर्म दूए धर्म एक धर्म पैदा होता है दूआ पिछला धर्म कि झूठा हो मारता रहा एक रुख दूए रुख न जमन नहीं दिता पैरों अपने जड़ा च ये तो है सच धर्म नहीं हमला करता शरीरक फिजिकल हमला नहीं करता सच धर्म झूठ तो कदे भी झूठ फिजिकल हमला करता है अध्यात्मक लड़ाई लड़ नहीं सकता झूठ असी अध्यात्मक लड़ाई लड़ते हैं गलबात की संगत विच बैठो की सच है की झूठ है संगत नू समझाओ संगत मनू बाद दे विच अज दुनिया कबीर नू और होर रविदास नू गुरबाणी नू ठीक कहती है पर की दुनिया कदे इहदे नाल खड़ी हुई है धर्म कदे भी नहीं हुई मन दे भी ने ठीक है नाल खड़े भी नहीं होंदे पर जिहड़ा गुरु ने जिहड़े भगत ने वह खड़े ने नाल जिहड़े खड़े रहे ने उन्हां नूं उहदी सजा उहदा मुल कहो सजा तां नहीं कह सकते उदा मुल तारना पिया उन्होंने कहा सुन लो जिन्हें सच के मार्ग से चलना जिन्हें साडे नाल आना पहला विचार लो जाको प्रेम खेलन का चाहो सर तो तली गली बोरी आ पहला मन लियो मौत की खेड़ खेड रहे हैं मौत ना लड़न जा रहे हैं काल जितने वाली गल है काल नू जित के ही अपना अच्छी पद मिलता है पहला नहीं मिलता मन जीते जग जीत मन काल है साडा अपना जिदन मन मारिया गया काल खत्म साडा अपना मन ही अपना काल है यही जमन मन जल फिर जिदन काबू कर लिया खत्म जमना मरना खत्म कुछ भी बाहरों प्राप्ति नहीं खैर हुण वो धर्म ना तो इस्लाम बचना है वह कहिंदे थोड़े वाला वह भी नहीं मैं ना साडे वाला बचना है हुण जिहड़ा धर्म उपर हो जाए दुनिया उहदे नाल जे जुड़ जावे तो वह राज हो जाता हों जिधर पब्लिक हो राज वोटा आदिया हूँ समस्या इतने राज की आई है धर्म की समस्या नहीं आई राज किवें बचाना है मुसलमाना ने अज महसूस करते ना मुसलमान भी वह मुसलमान नहीं सी राजे जिन्होंने जुल्म किए ने वो राजे सी मुसलमान नहीं सी मुसलमान एक धर्म है धर्म इजाजत नहीं दिंदा
सच ते हमला करन दी करन वास्ते। राजे ने अपना राज बचाया, राजा की लड़ाई सी, पर गुरु घर की लड़ाई राज वास्ते नहीं सी। ताना और भूम की लड़ाई नहीं सी, ताना और भूम की लड़ाई संसार की है, भगतों की, गुरुआ की, सिखा की, खालसे की लड़ाई है ही नहीं। दसम ग्रंथ च इस करके दसम पातशाह ने साफ लिख दिता ताकि ना राजा नूं भुलेखा ना रह जाए, कहिंदे तन और भूम पुरातन बैरा, तन और भूम करके ही बैर है लोगों के विच, इतिहास यही चलिया आउंदा हिस्ट्री। उन्हें उहदा राज खोलिया, उन्हें उहदा राज खोलिया, खजाने तन दा या भूम दा, यह लड़ाई है। तन और भूम पुरातन बैरा, तिसका मुआ जगत कर घेरा, संसार इहदा घेरा कत्ती जांदा, इहदा राज हो गया, उहदा आ गया, सिकंदर आ गया, साडी लड़ाई यह नहीं है। दसम पातशाह होके कहिंदे ने जिन्हें राजे ने भूम ही ते होए के सब भूम में बुलाए हैं, वह तो धरती चो मिट्टी चो पैदा होके मिट्टी च मिल गए, वो लड़ाई साडी नहीं है। जे कोई खालसा मनदा कि साडी लड़ाई है या कदे सीगी, उहनूं ज्ञान नहीं गुरमता है, गुरमता या तो ज्ञान नहीं है या फिर जो माया का जोड़ा प्रभाव है वह मायाधारी है, अन्ना बोला है, अजो माया का अन्ना बोला किया होया हो, गुरबाणी उन्हें सुनती नहीं, गुरबाणी वो सुनता नहीं, ते अजो इतिहास पिछे हो गया, राज करके देख लिया, सिखा होवे राज बेअदबियां हुण गुरु दियां जिन्हों गुरु मनते ने पहला ना हुई हुणे क्यों हुई, एक सवाल है बहुत बड़ा, इन्हों दे राज क्यों हुई, और इन्होंने फिर कड़ियां भी नहीं फड़े भी नहीं, ते अंदरों फिर सिख ले पखंड करते ने गुरु मान्यो ग्रंथ, पखंड रंगा हो गया, हुण जागण की लोड़ है सिखां नूं। जे जिहड़ा जागू, जिहड़ा जागू वो गुरु वाला है, जिहड़ा नहीं जागू गुरु वाला है ही नहीं, बस वो विरोधी है, उहनूं की लगे, उहनूं तां अपना बस वो तो पशु वाली जिंदगी है वो, तो फिर धर्म से गो मतलब नहीं है, ओनू पशु मनिया गुरबाणी ने। जे असी मानते हैं सिख हाँ, सिखी सिख वो है जिहड़ा सिखी का गुरमत का झंडा बरदार है, ये गल नूं अगे लैके जांदा है, वह सिख है, बाकी कोई नहीं सिख। जो कुरबान ही नहीं कर सकता अपना गुरु खातर कुछ, गुरु ने कुरबान सब कुछ साढ़े खातर किया है, फिर असी उ कहानियां सुनी जाने, एवं जवानी बोली जाने, असी की कर सकते हैं, सवाल यह है उन्होंने जो करना सी करता, असी की कर सकते हैं। अज बहुतियां बाहां खड़ियां करके तलवारां चलाउण दा काम नहीं, कुछ करके दिखाउण दा है, दुनिया जो करके दिखाऊ उहनूं मनदी है, गल्लां नूं कोई नहीं मनदा, गल्लां करन वाले बथेरे ने। मुसलमान मन गए भी असीं इस्लाम छड्डिया है, मैं कहा सी मुसलमानां नूं भी थोड़ा इस्लाम छड्डिया है, जिदां तुसीं मुसलमानां ने इस्लाम मन लिया, असीं असली मुसलमान तुसीं हो गए, जिहनूं गुरबाणी कहिंदी है मुसलमान कहावण मुश्किल, होर किसे धर्म नूं नहीं कहा कहावण मुश्किल, योगी कहावण मुश्किल नहीं कहा होया, सनातनी कहावण मुश्किल नहीं कहा होया,
बैरागी कहावण मुश्किल नहीं कहा हो, बोधी कहावण मुश्किल नहीं कहा हो, जो पहले धर्म ने, मैं उन्होंने गल कर रहा। सिया कहना नहीं, सिया उदो पहला दे ने मुश्किल, सुन्नी कहना ये भी नहीं, मुसलमान कहावण मुश्किल है। मुसलमान सिर्फ पेट पूरा, फुल लगता है फल नहीं लगता, इन्ना कम जब पेट पूरा हो गया, स्वस्थ हो गए, खूब पूरा पेड़ हो गए, बहुत वृक्ष अंब का फुल लगे, मौल लगे, मौल कहने मौल आवे, पर अंब ना बने, इन कमी है। वो काना है ता वो कमी है, एक मौल आता है, एक कख तो हैगी, फुल तो आता है, फल नहीं बनता। कोई नुकस है कि फल बनने, वो फल आला जड़ा है इलाज करया गुरु साहब ने, फुल तक दो पदार्थ ने, संतोख तक दी पढ़ाई है उत्थे, संतोख दे बाद संतोख तक इत्थे दा राज मिलता है, संतोख तप नाल मिलता है, तपो राज मिल जाता है। संतोखी आदमी जे राज करे वधिया राज करता है, लोभी नहीं हुंदा, लालची नहीं हुंदा, हो इंसाफ करता है, सब दा हक सब नू बराबर दिंदा है, संतोखी हुंदा, दूए नू खड़ा के खांदा है, दूए नू छका के सब नू फिर छकदा है। अगे साधु संत हुंदे सी, भंडारे करते थे, यग करते थे, जब सारे ने छक लाना पिछों टब्बर छकता सी, अश्वमेध यग दे विच भी इवें करते सी, जब सारी दुनिया छक जाती सी पिछों छकते हुंदे सी, उह संतोख कहिंदे आ। साढ़े उदो ज्यादा है संतोख तो बाद, संतोख तक मुक्ति है, संतोख तो बाद ज्ञान शुरू हुंदा है, मुक्त बपरी भी ज्ञानी त्याग है, एक होए एक हो गया संतोख तक, संतोख एक करता है, एक हो गया जो उगना है अगे जाके, परलोक की गल है, उत्थे परलोक की गल ही है, उत्थे इस्लाम विच इस लोक की गल है, परलोक की कमाई नहीं है। उत्थे जे परलोक की कमाई होंगी तो वह कहते भी हूर मिलगिया शराब मिलूगी, ये नहीं सी गल कहते, हो तो इतनी है, पर लोग बारे उन्होंने ज्ञान नहीं है। इतने वधिया आदमी इंसान कभी कहा जा बनना है, नेक तो नेक इंसान उत्थे तक दा इस्लाम है, उदो बाद परलोक की गल आउंदी है, लोग सुखी इस्लाम है, इस लोक में सुखी संतोख की गल है, पर लोग सहेले वो नहीं है, उत्थे वो साढ़े गुरबाणी है, इस करके उत्थे तक जाना भी बड़ा औखा है, इस्लाम तक भी एक होना, मुक्ति प्राप्त कर लेनी, अगे ज्ञानी मुक्ति नू त्याग देने फिर अगे जाते रहे, मुक्त वपरी भी ज्ञानी त्याग है, फिर बिरछ बनता है, नानक गुर, नानक गुर संतोख रुख, संतोख का रुख है, वह धर्म फुल, फुल सिर्फ धर्म है, उन्होंने को फल ज्ञान, ज्ञान का फल नहीं लगे, ज्ञान का फल है जोड़ा, फोकट धर्म कछु फल ना है ना, सारे धर्म च संतोख हो सकता है, सारिया मत्ता च संतोख हो सकता है। गुरु अमरदास जी संतोखी सी, भगत कबीर संतोखी सी, गुरु अंगद देव जी संतोखी सी,
अगे की गल फिर दसी है जड़ी ना ओ फिर गुरु नानक ने परलोक की गल उन्होंने दसी है वह जड़ा सी धर्म पहला इन्हों का मूर्ति पूजा वाला देवी दे जांदे सी उही सनातन धर्म है। अज रौला यह पाया जाता है भी सनातन धर्म और सिख धर्म एक ही है वह कित्थे है एक पहला कबीर सनातन है सनातनी मत है माला फेरता माला फेरनी सनातनी मत है वाहगुरु वाहगुरु करना माला फड़ के फेरनी सनातनी मत है सिख मत नहीं है ये दुकान ही है साढ़े वाली दग्ञान वाली मत है उपजिया सहज ज्ञान मत जागी जब संतोख पैदा होता है फिर ज्ञान मत जागती है ज्ञान मत जागी सीखी है माला तक तो यह सनातन धर्म है तो सनातन भी फिरते माला फिर कबीर कहता है ये मन उल्ट सनातन हुआ सनातनी कहते ने भी ज्योदे नू मुक्ति नहीं मिल सकती मरे तो मुक्ति मिलेगी जे मरे तो ही मुक्ति मिलनी है फिर तो सारे नू मिले जानी है फिर धर्म की लोड़ की है फिर तो मिले जानी है फिर की लोड़ है ये गल का जवाब कोई नहीं लो सनातनी मत की है इहदा फर्क समझना जरूरी है अज यही भुलेखा पाया जाता है कि सनातनी मत और सिख मत एक है बिल्कुल नहीं है साड़ी हाँ सनातनी मत और इस्लाम एक है ए, 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 दो बराबर क्योंकि इस्लाम चो ही आके कबीर इस्लाम चो आता है सनातनी मत है बाणी उन्होंने अगे जाके मिलती है ज्ञान अगे मिलता है जाके इवें मुसलमान ने फरीद है सत्ता बलवंड है मुसलमान ने गुरु घर चो मिले उन्होंने ज्ञान ता उन्होंने सद लिखी है सत्ते बलवंड की वार है जी सच उदो सच प्रकट किया उन्होंने ये गल्लां समझण वालियां ने जे तुसीं गल करनी है सिक्खी दी असीं सिक्खी दे झंडा वरदार हाँ सानू सिक्खी की है दसना पऊगा सानू आपे नहीं पता सिक्खी की है ना सानू लोड़ है जे नहीं लोड़ सिक्खी की कदर भी है नहीं तां सानू आप नूं कदर नहीं सिक्खी दी अजे तां बाणे नूं समझ लिया सब कुछ ये नहीं है कुछ ये तां सिर्फ इक लैवल है बई आ जड़ा हैगा डब्बा ये देसी घी का लैवल लग्या होया इहदे विच भाई देसी घिओ है पर जे देसी घिओ विच है नहीं फिर लैवल की करूं बाणा खालसे का लैवल है विच की है जे विचो चीज नहीं निकली जिहड़ी लैवल है फिर अपराध भी है जे बिचों कुछ होर निकलिया वे उत्ते लैवल होर होवे देसी घिओ दा होवे चलान हो जांदा इत्थे दा कानून भी अपराध बनता है जे इत्थे अपराध है तो उत्थे भी अपराध है ये भी ध्यान रखियो एवें चौड़े नहीं हो जाईदा हुंदा मैं 3 साल नहीं बाणा पाया डरदे ने बाणा पाणा कोई मजाक नहीं हैगा पौड़ लैनी को मजाक नहीं है अगे दिंदे नहीं सी 5-5 साल पौड़ क्यों कड़ा प्रसाद है हुण आपां इत्थे बरतावांगे ठीक है ना थले भी कणका गिर जाए आपां चक के मूंह च पाउने पर नहीं पाउंदे कड़ा प्रसाद की असीं कड़ा प्रसाद नूं उत्थे डस्टबिन सुट्टांगे जाके कोई सुट दो अमृत छकाउणा जिहदा हिरदा शुद्ध नहीं कड़ा प्रसाद डस्टबिन सुट्टण दे बराबर है ए
एमएलए वाले वही उम्र चुकाई जाने अपराध है। तुझी कदर की है उसकी उम्र की थोड़ी पांडा का देख लो साफ है कि नहीं साफ। गुरबाणी कहती है सुच होवे तां सच पाईआ। सच परमेश्वर तां पाउंदा जे तुहाडा हिरदा सच्चा सुच्चा होवे। हिरदा दा सच्चा है नहीं तुसी चाके उहनूं अमृत छकाता उहदा कारोबार खोलता तुसी उहनूं तां भरम पैदा करता। इह कुछ होया होया पिछले जिहड़ा सिंह सी उहनां विच शक्तियां सी उहनां नूं पता सी की गल है सानूं तां पता ही कुछ नहीं ना असीं कदे लोड़ समझीए पता नहीं। ओ शक्ति कित्थे गई साडी? शक्ति सच दी है जे सच है तां शक्ति है। सच होऊ अंदर सच होवे गुरबाणी नाल प्रेम होवे फिर सारिआं नाल प्रेम होवे। पहला तो सानू ऊंच नीच जिहड़ा सी चार बर्ण वो तोड़े तो अज सही असी वह भी नहीं तोड़ सके। ये तो एक प्रैक्टिकल है चलो अंदर तो जो मर्जी हो गई ये तो दुनियावी गल है असी तो उते भी खरे नहीं अजे उतरे बहुत पिछे हाँ असी सिखी बहुत ज्यादा दुनिया साढ़े वल देखती है। जिन्हें भी नेक आदमी ने समझते ने वो बाणा देख के बाणे नूं नमस्कार करते ने बाद चाहे बाणे वालियां दे विच जो कुछ हुंदा है वो बाद पता लगता उन्हां नूं। पर अज बाणा पा के तू देख रही हो जाके सारा पैरों च बैठन लग गए क्यों? वो अधिकारी नहीं सी अमृत दे उन्हां नूं अमृत छका दित्ता। जे तुसीं वो लोग अधिकारी नहीं सी इहदे जिहड़ा असी उन्हां नूं देता ना रुतबा समाज विच उहदे अधिकारी नहीं है वो जाके उन्हां दे पैरां च बैठण लग गए। हुण असी रौला पाउने उत्थे रौला पाउण दी लोड़ नहीं। अपने आप नूं आत्म चिंतन की लोड़ है सानू भी असी की सी की बन गए। साहिबजादे नहीं मन रहे कंप्रोमाइज नूं वो कहंदे कह दो तुसी भी असी प्रचार नहीं करते कोई लिख के नहीं सी लैंदे कहंदे सी जे भला वो ऐं कर लैंदे। पौंडे साहब का जन्म है दसम पातशाह का ना सॉरी अपने पटना साहब का पटना साहब बिहार च पैंदा है। माता गुजरी तो उत्थों ही आई सी उत्थे रहिंदी रही सी माता गुजरी ले जाके इत्थों इन्हां नूं कह के हाँ पटना साहब चले जाते वह दूआ राज है एड्डी दूर उत्थे करी जाते प्रचार नहीं ये गल नहीं कह सकते प्रचार नहीं करना। इन्नी गल ना मनण ते असारा साका चल लिया पर कंप्रोमाइज झूठ ना नहीं किया। ये नहीं कहा भी सच का प्रचार गुरमत का असली नहीं करा। अज असी कादे वास्ते छड़िया है अज गोलक वास्ते छड़िया है सिर्फ या धड़े वास्ते छड़िया है कुर्सी वास्ते छड़िया है। समा आ गया जिहड़े पिछे शहीद होए सी वो बच्चे हुण जन्म लिया है जवान ने फेसबुक ते देखदे ने मनदे भी ने जिहड़े पिछले ने पिछे रह जाणगे नहीं पिछों आ रहा पाणी पिछों पाणी उत्ते दी आ रहा हमालिया दे मुसलमान सारे ही मन्ने पए ने बाणा उहनां दा ही है अपना नहीं है। देख लिओ उथों जिहड़ा 11वीं सदी दा मुगल है ना उहदा बाणा है गुरमुखी दमाले वाले फाले वाले जी
गुरमुखी दुमाले वाले ये सारा उन्हों का बाण है। खालसा शब्द भी उन्होंने किया, फतेह शब्द भी उन्होंने, खुरासान भी उन्होंने लिखे किया। खुरासान वाली कहानी है जो हुण शुरू होण लगी है। खुरासान का समाना किया का मतलब यह है खुरासान चो सच का प्रकट होना, खसम कौन है सच, ये सच सबना का। खुरासान खसम आना किया, जदो सच खुरासान जाके प्रकट हो, खसमाना नहीं खसम आना, खसम ने आना किया खुरासान च, जदो खालसा खुरासान जाके निशान चलाऊगा, ये समझो बस फिर हिंदुस्तान डराया। वो जरा सालू डरा रहे जड़े कहते मन लो काय को पाहन पूजित है पशु पाहन में परमेश्वर नहीं, ये ना प्रचार करो जान बख्शी हो जूगी। फिर उन्होंने पता लग जू हम सतोगान चली गई गल। ये धर्म सारी दुनिया का धर्म होया पाया बहुता चिर नहीं लगना। वो हूँ नहीं मनना गया अगले जन्म मन जाऊंगे जन्म तो इत होना खालसे च आके जाते कित भी नहीं तुम हूँ मन जो गए हूँ मन जाओ नहीं अगले अगले बार मन जो जो अगले बार फेरा नहीं पाना हूँ मन जो ये तो अपना खेती करो नबेड़ा अपने हमने नबेड़ा कर लो अगले जन्म की छोड़ो। ये 96 करोड़ फौज तो ज्यादा हुई हुई है ताड़ी अंदर खाने नहीं तो मेरे ना चलो थोनू दिखा दूंगा मैं गुप्त दिखा दूंगा पई है कि नहीं पई प्रगट नहीं हुई चीज पढ़ते चाहिए पर 96 करोड़ पंजाब चो नहीं है। पंजाब चो तो मेरा ख्याल है ज्यादा ज्यादा जो हुई 20-30 लाख बस ये तो ज्यादा नहीं। वो भी रले मिले ने सारे हिंदुआ चो भी ने सिखा चो भी ने सारे चो रले मिले ने ईमानदार सारे बिच ही ने रले मिले ही होंगे ने सारे चंगे माड़े। आ मौका वो है जेड़े मौके का इंतजार सी कि जुग पलटना जुग जुग पुरश कहते जुग पुरशता है परमेश्वर क्यों हर जुग जुग भगत पाया उ पैदा करता भगत जेड़ा हर जुग च रहे वह जुग पुरश होंगे जेड़ा हर जुग च है ही नहीं वह जुग पुरश कमें हो गया भाई इन्हों पता नहीं युग पुरश की होंगे विद्वाना के हिसाब से युग पुरश हो रू जिन्हों पंजाब तो बाहर नहीं कोई जानता ना या नफरत करते ने या वो उन्होंने गल सैटिस्फाई नहीं करा सकते उन्होंने युग पुरश कह लग जाते ब्रह्म ज्ञानी भी अपने अपने बनाए हुए हैं कोई गल नहीं गुरबाणी कहती है ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी सगल सिच का करता ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता अभी ठा ठा ब्रह्म ज्ञानी बनाई जाने यदा मतलब मत मारी हुई है। गुरबाणी की कहती है गुरबाणी ना सुनी है ना समझी है ना मनी है। समा आ गया गुरु वल मुंह फेरिए गुरु वालू पिठ की हुई है गल कुछ भी नहीं मनण दियो गल हां हाँ रौनी है वह मूहरे ना लगो बरा पिछे लग जो जो मूहरे खतरा पिछे तो लग हां हाँ तो मिला सकते हैं बस जोड़ा हां हाँ गुरु से मिला गुरु वाला ही है
गुरु वाला ही आया। चलो कमजोर भी होंगे ने, एको जे तो होंगे नहीं, सारे पढ़ाई च भी अगे पिछे होंगे, कोई गल नहीं उहदे च, पर बोर्ड गुरु ने खड़ा होना चाहिए है साडे। जो गुरु की गल आवे फिर कुछ भी होवे, चाहे छड़नी दुनिया छड़नी पै जाए, गुरु नूं असीं दा लड़ नहीं छड़ सकते, फिर असीं खालसा सिख कह सकते हाँ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का। साना सच खोज दे बाने बाबा धर्म सिंह जी, जिन्होंने थोड़े समय च संगतां दे पल्ले झोली दे विच बहुत कुछ पाया है। सानू समझण दी लोड़ है कि असीं पखंडा धर्मां नूं छड्ड के सच के मार्ग से चलन की कोशिश करिए।